अभी मैं आज अखबार में जो है वो पढ़ रहा था, अभी जो है वो कहीं बदवाना महेंद्र में भी कोई कह रहे हैं कि वो पानी जो है ट्रीटेड वहाँ डाला जा रहा है। ट्रीटेड पानी है, उसको कहाँ भेजना है, उसका आगे कोई जो है ना वो उसका समाधान इन्होंने नहीं किया हुआ। अतिक्रमण की समस्या है, जो क्रेन उसका अरेंजमेंट किया है, जो भी अनऑथराइज्ड पार्किंग मिलेगी उसको निश्चित रूप से उसको उठा के टो करके और फिर उसका चलान किया जाएगा। इंक्रोचमेंट की एक मुहिम जो चलाई जाएगी, निश्चित रूप से अभी चलाएंगे मुहिम, पार्किंग के जो स्थान है वो भी फिक्स जो है किए जाएंगे। शहर में जो शिविर व्यवस्था उसके ऊपर बड़ा ही बवाल रहता है। शिविर व्यवस्था देखिए, मैंने भी मौका देखा है, हमारे जो है दो STP हैं हमारे, जो शहर का पानी वहाँ जाता है, समस्तपुर जाता है तो और एक चिड़िया रोड पर जाता है, और दोनों ही जगह जो है ना वो जो ट्रीटेड पानी जो होता है उसकी समस्या के लिए वो जो ट्रीटेड पानी है उसको कहाँ भेजना है, उसका आगे कोई जो है ना वो उसका समाधान इन्होंने नहीं किया हुआ है। वो मतलब या तो वो जो पानी फालतू होता है या तो उसको किसान ले लेते हैं, अगर कई बार बरसात हो जाती जैसे पीछे बरसात हो गई थी तो इसमें और दिक्कत होगी, किसानों ने लेना बंद कर दिया वो, और इसलिए जो है ना वो हमारे जो 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 उनके जो पौंड थे वो ट्रीटेड पानी के वो बंद हो गए वहाँ पर, मतलब उनकी कैपेसिटी फुल हो गई और वो कुछ खेतों में भी चला गया। अभी मैं आज अखबार में जो है वो पढ़ रहा था, अभी जो है ना वो कहीं बदवाना महेंद्र में भी कोई कह रहे हैं कि वो पानी जो है ट्रीटेड वहाँ डाला जा रहा है। सर उसके बारे में जैसे कल मैंने भी वो रिपोर्ट बनाई थी सर, और उसमें डाणी फोगाट के सरपंच से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि खुद जो जन स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने वो वहाँ से पाइप तोड़ा है, और वो पाइप तोड़ भी नहीं रखा, वो निकाल करके नीचे वहीं पे माइनर में डाल रखा है। अच्छा नहीं, ये मैं जो है ना कल जो है ना यहाँ पर हमारे जो दोनों SCs हैं वो आएंगे, उनको मैंने बुलाया हुआ IC उसमें, MP साहब भी आएंगे बल्कि, तो उसमें ये डिस्कशन जो है होगा। लेकिन अब तो फिलहाल तो देखिए वो जो समस्तपुर का जैसे मैं बताऊँ आपको, समस्तपुर वाला जो तालाब है वो मतलब ट्रीटेड पानी है, उसको जो है ना पोकलैन से या किसी उससे उसको एक तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उस तो नीचे से खोदा जाएगा, लेकिन वो खोदा तभी जाएगा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब थोड़ा सा पानी उसमें सूखेगा, तो वो जो है अभी रिसेंटली अभी तो पॉसिबल है नहीं वो, तो वो उसका बजट जो है वो मंजूर हमने करवा दिया है, मैंने जो है ना SC को और उनके जो EIC उनसे बात करके वो तुरंत ही वो कार्रवाई जो होगी, और इसका जो मेन समाधान है इन दोनों का जो है चिड़िया रोड वाले STP का और इसका समस्तपुर का, ये दोनों जो पानी है दोनों तरह का जो पानी है वो वहाँ जो इमलोटा के पास जो एक ड्रेन है वहाँ पर ले जाने का जो है मतलब इन्हें प्रपोजल बना दिया है। अब वो कितने दिन में बनता है ये हमें जो है देखना है, कल वो दोनों आएंगे मैं बात को उनसे करूँगा भाई कितने देर में ये पॉसिबल हो पाएगा। इस दौरान अगर पीने के पानी में अगर वो मिक्स हो रहा है तो वो नहीं, वो उसको बंद करवाया जाएगा, उसको जो है निश्चित रूप से डेफिनेटली उसको बंद करवाया जाएगा। एक घंटा या दो घंटे तो मोटर पक्के नहीं, आज मैंने जो है उनको डेपूट कर दिया, इरीगेशन वालों को भी बोल दिया और उनको भी कि वो आज वो देखेंगे और वो अगर वो चल रहा तो उसको तुरंत बंद करवाएंगे। चिड़िया रोड STP के एक साल से सर लाइन जो मेन लाइन है वो डैमेज है आठ जगह से, वो अभी तक ठीक नहीं हुई सर, तो पानी कैसे जाएगा? पानी निकालने का तो बाद में होगा, पहले पानी तो निकले वहाँ से वार्डों से। हाँ हाँ, पानी वो तभी इसीलिए नहीं पाता क्योंकि आगे स्पेस ही नहीं है, इसीलिए जो है ना ये जो सीवरेज की जो दिक्कत है जैसे आप लोगों को बात नहीं कर रहे हैं, वो जो लाइन है वो धस कर टूट गई है, पूरी पूरी डैमेज हो चुकी है। जैसे एक तो यहाँ जो मील है उनके पास में जो नहर है उसके वहाँ से आसपास से वहाँ से डैमेज है सर पूरी, और दूसरा जैसे आप इधर वाले जो STP के ऊपर जाती है ये तिकोना पार्क के ऊपर पूरी डैमेज है, तो ये जब तक यही नहीं जुड़ेगी तब तक वहाँ तक पानी पहुँचेगा ही नहीं सर। और शहर में जो सफाई की व्यवस्था है जो सीवर व्यवस्था है वो इसी वजह से, हाँ इसी वजह से है वो डैमेज लाइन है, ये निश्चित रूप से ऐसा ही है, तो इनको दोनों को खुलवाया जाएगा। मैंने जो है कल उनको इसलिए उनको बुलाया था, जो SCs हैं दोनों वो आ रहे हैं कल यहाँ पर। और जिला स्तरीय उपचार के लिए क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी तो देखिए उसमें चिड़िया रोड पे जो उड़ा की जो जगह है अभी तो प्रपोजल वहीं की जो है अभी फिक्स है कि वो वहीं पर जो है ना उन लोगों को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी और जुडिशियल ब्लॉक का भी दोनों का वहीं प्रपोजल है। इन्फॉर्मेशन और भी है सर कि वो कैंसिल हो गया? नहीं अभी कैंसिल नहीं हुआ है, वो अभी वो दोनों प्रपोजल अभी वहीं हैं। कैंसिल तो उस ये था ना CCI की जमीन मिल जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और लंबा समय हो सकता लग जाए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो, उसमें थोड़ा सा हो सकता समय लग जाए, तो हमने चिड़िया रोड पे जो है ना अभी जो है ना निश्चित रूप से उसको जो है मतलब कि अभी तो वही हमारी प्रपोजल वही है। वहाँ हमें थोड़ा सा दिक्कत इस बात की आ रही है, एक तो हमारा जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है उसमें जो बनना है वहाँ पर उसमें 3 या 4 जगह रिलीज लैंड है, एक तो वो सारी क्लियर जो है वो
करवानी है और उसके लिए आज मैंने उड़ा के जो ऑफिशियल्स थे कर्मचारी हैं वो बुलाए हुए हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, चार या पाँच बंदे हैं कि भाई तुम जो है कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, रिक्वेस्ट कर उनसे जो ना कर रही है क्योंकि वो रिलीज्ड है किसी हाई कोर्ट से वगैरह से, उनको फोर्सिबली हम नहीं कर सकते, तो उनका कोशिश है कि उनको मनाया जाए और उनको दूर जो है मतलब कि वहाँ पर वहीं पर अच्छी बड़ी अलोकेशन जो है ना और पूरा कंपनसेट उनको किया जाएगा। आज भी कई विभाग मकानों में चल रहे हैं, ये तो देखिए जब तक सेक्रेटरीट नहीं बन जाता तब तक तो जो है ना ये समस्या जो है ना निश्चित रूप से जो रहेगी। अभी तो पूरे दफ्तर भी नहीं है, अभी तो और भी ऑफिस आने हैं, अभी जो कई जो डिपार्टमेंट है हमारे अभी तो वो है नहीं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के, अभी तो भिवानी से ही संचालित हो रहे हैं सारे। सर किसान मॉडल स्कूल में जो कार्यालय लगे हुए हैं वो काफी दूर 2 किलोमीटर लगभग पड़ जाते हैं, तो काफी परेशानी हो रही है। हाँ मैं मानता हूँ आपकी बात, निश्चित रूप से ऐसा ही है, लेकिन अभी उसका एकदम तो कोई समाधान नज़र तो नहीं आता। नहीं आप ही बताइए कि उनको कहाँ लाएं दब ऑफिसेज को, कोई ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई टेम्प्रेरी भी नहीं बनाई जा सकती, तो तब तक जो है ना हमारा ये जो कोशिश होगी कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है इसका तुरंत कहीं इसका उद्घाटन वगैरह करो ना, उसका शिलान्यास वगैरह करवा के उस पर काम चालू करवाया जाए। अतिक्रमण की समस्या है इसमें कोई शक नहीं है, अभी बल्कि जो है ना म्यूनसिपल कमेटी का एक प्रस्ताव था, उन्होंने पुलिस विभाग को किराए के लिए एक JCB वो जो क्रेन है उसका अरेंजमेंट किया है, जो भी अनऑथराइज्ड पार्किंग मिलेगी उसको निश्चित रूप से उसको उठा के टो करके और फिर उसका चलान किया जाएगा। एक येलो पट्टी लगाने की बात हो रही थी, येलो पट्टी के अंदर वाहन खड़े किए जाए मेन सड़क पे पार्किंग स्थल में होने के कारण, उसका क्या रहा? वो अभी डिसाइड होगा परसों जो है ना, वो हमारी 31 तारीख को जो है ना वो रोड सेफ्टी की मीटिंग है, उसमें उन लोगों को बुलाया जाएगा और वो इसके बारे में समाधान करवाया जाएगा। सर सर्दी की वजह से जो रैन बसेरे तो बना दिए गए हैं अब अस्थायी रह सकते हैं, लेकिन सर्दी जानवरों को भी लग रही है सर, और सर जानवर जो सर्दी में रोड के ऊपर भी है सर, उनको कैसे हटाएंगे सर वहाँ से, क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंट भी लगा था। अच्छा नहीं देखिए उनका तो नंदीशाला है और गौशाला है, सिर्फ वहीं प्रोविजन है भेजने का, बंद करवाया जाए। हाँ वो एक बार और मुहिम चलाया जाएगा इसका, और वो जितने भी इस तरह के जो जानवर हैं गायें हैं खासकर गायें और जो है वो जो नंदी हैं वो हैं उनको सभी को जो उनको उठवा कर और जो है वहाँ पर नंदीशाला या गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश सरकार को सौगात देने का विचार कर रही है, वो देखिए इसके बारे में तो हम जो है ना वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और कभी CM साहब आते हैं तो उनसे जो है ना कोई ना कोई पॉलिटिकल उससे माध्यम से जो है किसी प्रोजेक्ट के बारे में अभी तो नहीं है। अभी तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो केवल जो है ना सेक्रेटरीट बनाने का है, ये बन जाए यही जो है ना हमें सबसे बड़ी वो होगी, और उसके अलावा जो अभी जो भी कोई प्रपोजल अगर आती है इस तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की तो उसके बारे में निश्चित रूप से बताया जाएगा। सर काफ़ी टाइम पहले चरखेदारी में फुटपाथ बनाए गए थे सर, लेकिन आज के दिन फुटपाथ का नामो निशान भी नहीं बचा है, लोग रोड के ऊपर ज़्यादा चलते हैं और फुटपाथ है ही नहीं। वो इंक्रोचमेंट के कारण ही है, वो इंक्रोचमेंट की एक मुहिम जो चलाई जाएगी निश्चित रूप से, अभी चलाएंगे मुहिम, वो क्रेन भी मैंने बताया अभी अवेलेबल करवाई है पुलिस विभाग को, तो वो जितने भी जो है ना वो पार्किंग वहाँ अवैध पार्किंग करते हैं उसके बारे में जो है वो ठीक किया जाएगा, और इसके अलावा जो पार्किंग के जो लोट्स हैं वो भी पार्किंग के जो स्थान हैं वो भी फिक्स जो है किए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सरकारी तो इतना है नहीं, प्राइवेट जो भी इसमें आदमी कोई आता है पार्किंग का उसके बारे में जो है ना वो उसको ज़रूर जो है प्रोत्साहन हम करेंगे। सर गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के अंदर पानी भरता है काफ़ी बार, और अब तो थोड़ा सा कम है, तो उसका कुछ स्थायी समाधान कराने का कुछ प्रपोजल बनाया गया है? स्थायी समाधान तो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है हमने वहाँ पर जो है मैंने बोला है वहाँ पर लगाएंगे, लेकिन वो भी वहीं पॉसिबल है जहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो थोड़ा सा नीचे होता है, पानी तो सीवरेज जो हार्वेस्टिंग है वो तो तभी संभव हो पाएगा ना जब नीचे वो सोख ले। यहाँ दादरी शहर में कुल मिला के वो जो वाटर लेवल है बहुत ऊपर है, ये तो आपने देखा होगा, तो उसका वाटर हार्वेस्टिंग का हम जो है ना वो प्रपोजल बना रहे हैं उसमें जो लगाए जाएंगे, ताकि जो है ना वो जो जितना भी बरसात का पानी है वो इकट्ठा हो गया वो नीचे रिचार्ज हो जाए। सर पॉलीथिन बैन हो चुका है, देखिए चलान हमने जो है कटवाए हैं,
बिल्कुल काफ़ी इसमें जो है ना कई मतलब के हजार मतलब के वो सैकड़ों हमने चलान जो करवाए हैं और इसका और भी मुहिम जो इसका चलाया जाएगा कि जन इस तरह की जो जो सबसे गंदगी जो है फैलाते हैं इससे उसको रोका जाएगा। सर सीए को और एनपीआर को लेकर के कई जगह तो समर्थन किया जा रहा है लेकिन कई जगह पर दबी आवाज में लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए कोई मुहिम चलाई जाएगी जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके? नहीं देखिए, हमारा जो ज़िला है वो बिल्कुल शांत है, उसमें ऐसी कोई कहीं कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और पूरा क्लियर जो है ना लोगों को शायद कंसेप्ट है अखबारों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से या हमारे यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन जो है यहाँ जिला दादरी में नहीं है। निजी स्कूलों की बात की जाए तो पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक कक्षाएं लगाने का की अनुमति होती है, लेकिन जो निजी स्कूल हैं वो धड़ल्ले से नर्सरी क्लासेज चला रहे हैं, इस पर क्या समझ? छुट्टी के बावजूद नहीं सर, मान्यता ही नहीं होती नर्सरी क्लासेज चलाने की निजी स्कूलों में। नहीं देखिए, ये भी मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसी कहीं बात है कोई ऐसे स्कूल हैं तो निश्चित रूप से उनकी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से वो ऐसा बनता अगर बिना रिकग्निशन के कोई किसी भी लेवल का स्कूल हो, चाहे कोई बहुत छोटा प्राइमरी हो और चाहे कोई प्राइमरी स्कूल हो। बिजली बिल 5-5 महीने में आ रहे हैं सर, वो देखिए एक एजेंसी है, कोई प्राइवेट एजेंसी उन्होंने हायर की हुई है, उसमें शिकायतें आई हैं तो वो जो है ना ऊपर लेवल पर जो है ना उस कंपनी को ही शायद कोई उसको या तो कुछ उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे या कुछ वो चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक उसमें दिक्कत आई है तो ये संज्ञान में है मामला, इसको ठीक करवाया जाएगा। अकेला लेट ही नहीं सर, उसमें जो यूनिट है वो भी एक्स्ट्रा ऐड होकर के आ रही है क्योंकि वो लोग जा ही नहीं रहे हैं कहीं यूनिट की रीडिंग लेने। तो घर बैठे कर रहे हैं आप लोग, ये कहना चाह रहे हो घर बैठे बैठे कर रहे हो? हाँ, तो यही ये भी एक जो है ना वो उल्लंघना है, इसका भी जो है ना वो मैं एक्शन और एससी से जो है बात करके इसका भी समाधान करवाएं। नगर परिषद द्वारा हर दिन नई नई गाड़ियां बनवा रहे हैं परंतु ड्राइवर नियम तो चलाने देते नहीं है और वो तरह तरह खराब भी हो रहे हैं, देखने में आया थी वहाँ। अच्छा, नहीं उनकी देखिए अभी परमिशन जो है वो यहाँ से मेरे ऑफिस से लेके गए हैं, वो जो 17-18 पीछे सीएम साहब से हमने उनका वो करवाया था जो उनको फिता जो कटवाया था उनको चलाने का, तो उन सभी पे जो ड्राइवर रखे जाएंगे। अभी पिछले कई दिनों से यहाँ ईओ की कमी है, मेरे चेयरमैन से कल ही बात हुई थी, वो जल्दी ही विद इन एक या दो दिन में वो पूरा सभी को लिए जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है ना वो ठेकेदार से वो सारे वहाँ पर भरे जाएंगे लिए जाएंगे और कोई भी जो वाहन है उनका इस तरह के जो भी जो छोटे हाथी थे या जो भी है टेम्पो थे वो सभी जो है ना सड़कों पर होंगे। उसी के कारण हमारा जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण का काम है, गीला सूखा कचरा जो है वो उसमें सारे के सारे यूटिलाइज किए जाएंगे। निजी जो स्कूल है, प्ले स्कूल है या फिर और भी जो तक है, वो जो छोटी वैन होती है उनमें ज़्यादा बच्चे बैठा कर ले जाते हैं जो कि अलाउ नहीं होता, छोटी वैन में सिर्फ 8 बच्चे ही बैठा सकते, उन पर क्या कार्रवाई की? उन पर देखिए जो उसकी जो कैपेसिटी होती है, सीटिंग कैपेसिटी होती है, उसी के अनुसार ले जाना होता है। अगर कोई कैपेसिटी के अनुसार जो है नहीं ले जाता, ज़्यादा भर के ले जाता है या उनकी सीटों को अपने अनुसार उन्होंने तोड़ मरोड़ के रखा ज़्यादा किया हुआ है या संकरा किया हुआ है, तो वो बिल्कुल वो जो हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट की उसकी अवहेलना है और उसमें निश्चित रूप से उसके मैं पुलिस विभाग से भी जो है मतलब कि उनको भी कहूँगा और हमारे जो सेक्रेटरी आरटीए हैं उनको भी इस बारे में जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि उन ऐसी व्हीकल्स को इम्पाउंड करें।